जी स्टूडेंट्स, ये 96% लिखा हुआ है। इसको हम फ्रैक्शन में भी चेंज करेंगे और डेसिमल में भी। जी ये 96% का मतलब है कि 96 आउट ऑफ 100। इसको पहले हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, 96 आउट ऑफ 100। जी अब हम ये 96 और 100 को सिंपलीफाई भी करेंगे, ये दोनों 4 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको भी 4 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 पे। तो इसका आंसर आ जाएगा 24/25। जी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 24/25। अब इसको हम 96/100 को हम डेसिमल में भी लिखेंगे। इसमें देखें नीचे 2 0 हैं, ऊपर नंबर भी 2 हैं, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.96। जी अब 18% को हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, बाद में डेसिमल में। तो पहले आ जाएगा 18/100। जी अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 18 और 100 को दोनों 2 पे डिवाइड होंगे, तो ये 9 आ जाएगा, नीचे 50 आ जाएगा, 9/50। जब डेसिमल में 18/100 को चेंज करेंगे तो आएगा 0.18। जब ये 48% को भी हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 48/100। अब ये दोनों को सिंपलीफाई भी हम करेंगे जी, ये दोनों 4 पे डिवाइड हो जाएंगे, 4 पे डिवाइड 48 होगा तो आएगा 12 ऊपर आ जाएगा, और ये 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। अब इसको हम डेसिमल में लिखेंगे, 48/100, नीचे 2 0 हैं, ऊपर नंबर भी 2 हैं, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.48। जी अब हम 78% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 78। अब ये 78/100 को हम सिंपलीफाई करेंगे तो दोनों 2 पे डिवाइड होंगे, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 100 भी 2 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 39/50। अभी ये 78/100 को हम डेसिमल में लिखेंगे, नीचे 2 0 हैं, ऊपर नंबर भी 2 हैं, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.78। जी अभी ये 89% को पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे हम, 89/100। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होंगे, ये यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, दोनों सेम नंबर पे डिवाइड नहीं होंगे। अब इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे, जिसमें भी नीचे 2 0 हैं, ऊपर नंबर भी 2 हैं, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.89। जी अब ये 68% को भी फ्रैक्शन में लिखें तो आएगा 68/100। अब इनको सिंपलीफाई करेंगे तो दोनों ही 4 पे डिवाइड होंगे, ये भी 4 पे, ये भी 4 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 17/100 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। अब ये 68/100 को डेसिमल में लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा 0.68। अल्लाह हाफिज़।